पबजी बैन होने के एक दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि पबजी बैन होने से हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, हमारी पूरी कंट्री की गेमिंग कम्युनिटी बिल्कुल चेंज होने वाली है। तो उसी की एक दिन बाद यार एक खबर आती है कि हमारे अक्षय कुमार है, उन्होंने उनके मेंटरशिप के नीचे एक कंपनी है गेमिंग की, जो इंडिया की कंपनी है, उसने एक गेम लॉन्च किया है, मतलब एक पोस्टर बाहर आया है, उसका नाम है फौजी। तो क्या है यार इसके गेम के अंदर और कब लॉन्च होने वाली है और इसके बारे में कुछ सवाल है मेरे, उसके बारे में यार इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना अगर आप एक पबजी प्लेयर हो। अगर आप यार गेमिंग पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो पहले ज़रूर देख लीजिए, लिंक इधर के यार होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ अलग विचार मेरे बताए कि यार पबजी बैन होने से क्या कुछ प्रॉफिट होगा इंडिया में। और आप सभी को पता है कि पबजी को बहुत बड़ा 2 दिन में यार $34 बिलियन का लॉस हो चुका है। पर यार हमारी इंडियन कम्युनिटी में कुछ चेंजेस आने वाले, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, वो ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसी के बाद आपको इस वीडियो में मैं जो कुछ बोलने वाला वो समझ में आएगा। तो पबजी बैन होने के बाद एक दिन बाद यार मैंने उस वीडियो में ही भी बोला था कि पबजी बैन हो गई है तो उसकी जगह कोई गेम आएगी, और अगर वो कोई इंडियन गेम आती है तो हमारे लिए यार बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इंडियन गेम्स इतनी ज़्यादा है नहीं हमारे इंडिया में, सब भी बाहर की गेम्स है। फ्री फायर ले लो, कोई भी यार आप जैसे कि जो पॉपुलर गेम्स है जो लोग खेलते हैं वो इंडिया की नहीं है, पर अगर इंडिया में कोई ऐसी गेम आती है तो हमारे लिए फ़ायदाकारक रहेगा। और उसी के एक दिन बाद मेरे वीडियो बनाए, उसी के एक दिन बाद यार न्यूज़ आती है कि अक्षय कुमार और एक बेंगलोर की गेमिंग कंपनी, आई थिंक बेंगलोर की है, उन दोनों ने मिलकर एक गेम निकाला जिसका नाम है फौजी, जिसका फुल फॉर्म है वो है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो यही गेम है यार, ये कुछ ना कुछ पबजी की तरह होने वाली, मतलब मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम होगी। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि इसके अंदर हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके बारे में हम सबको सीखने को मिलेगा, मतलब जो हमारी गन्स है इंडियन आर्मी, मतलब जो सेक्रीफाइसेस होते हैं और जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी वर्क करती है, मतलब कैसे यार लड़ाई होती है, वो सब सीखने को मिलेगा गेम के अंदर। वो सब उन्होंने ट्वीट किया था, उसके अंदर लिखा गया था। तो आपने जान लिया यार ये गेम कैसी है, और गेम लॉन्च होने में 2-3 मंथ लगेगी। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि एक दिन के बाद तो तरह की कोई न्यू गेम नहीं आएगी, पर थोड़ी देर लगेगी पर गेम आ जाएगी कोई भी। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि पबजी की जगह लेने के लिए कोई गेम तो आ जाएगा, और कॉल ऑफ ड्यूटी भी है उसी कम्युनिटी। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी यार ऐसा ही हुआ था, मतलब जब कॉल ऑफ ड्यूटी 1 साल पहले लॉन्च होने वाली थी तब बोल रहे थे यार कि पबजी की जगह कॉल ऑफ ड्यूटी ले लेगा, पर यार पबजी का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि यार कॉल ऑफ ड्यूटी को कोई ज़्यादा खेल भी नहीं रहा था, कुछ ही बंदे थे जो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे थे। पर अब कॉल ऑफ ड्यूटी के पास चांस है तो कॉल ऑफ ड्यूटी भी आगे आ सकती है, और उसके टक्कर में आ गया है फौजी। और फौजी के बारे में यार बहुत सारी ऐसी मतलब न्यूज़ और मीम्स आ रहे हैं कि फौजी का जो पोस्टर है, मतलब वो पूरा का पूरा कॉपी किया गया है, यू नो कोई गेम है मतलब उसका कॉपी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो फोटो, मतलब एक मीम है, तो पूरा यार पोस्टर कॉपी कर दिया गया, और उसके अंदर जो मतलब हमारा फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, वो ही बस चेंज किया गया है, बाकी जो ओरिजिनल पोस्टर है उसके अंदर कोई और कंट्री का फ्लैग है पर हमारी कंट्री का लगा दिया गया है। तो यार ये एक चीज़ है कि हम सब सारी चीज़ें मतलब कॉपी करते रहते हैं, अगर कोई भी हम आर्टिस्टिक मतलब कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, मतलब कोई भी अगर मूवी निकलती है या फिर कोई भी चीज़ है, तो हम यार कहीं से कॉपी मतलब आइडिया चुरा लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गेम कैसा होगा वो सब हमें देखना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक पबजी प्लेयर हो तो यार इस गेम को ज़रूर एक चांस लेना, जब गेम लॉन्च हो जाए तो इसे खेलना यार, इसका फीडबैक भी ज़रूर प्ले स्टोर में देना कि यार गेम कैसा लगा, जिससे कि हमारे इंडियन डेवलपर्स है उन्हें पता चले कि गेम कैसा है और वो कुछ अगर इम्प्रूव करना चाहे तो इम्प्रूव कर सके। तो अब थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करते हैं, जो मेरे खुद के विचार है, मेरी खुद की ओपिनियन है। तो सबसे पहले अपनी ये कि यार हम सारी चीज़ें मतलब कॉपी करते रहते हैं, जैसे कि KGF चैप्टर 2 आने वाला था तो उसका जो पोस्टर था वो वीकिंग्स के विलन के जैसा था, मतलब संजय दत्त थे वो, उनका बिल्कुल कॉपी पोस्ट था। और जैसे टिकटॉक की बात करें तो एक बहुत सारी यार ऐप्स थी जो मतलब कि टिकटॉक का सोर्स कोड ऑनलाइन परचेस कर लिया था, और मित्रों ने ऐप था उसके बारे में भी एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया था कि ये भाई ये पूरा सोर्स कोड है, कहाँ से उसने परचेस किया है और लिखा दिया है कि भाई मेड इन इंडिया, भाई पूरा कोड मतलब सोर्स कोड ही यार मतलब किसी भी कंट्री का हो सकता है, चाइना का नहीं पर किसी भी कंट्री का, और आप उसे मेड इन इंडिया बना रहे हो, तो इसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए।
हमें खुद का कुछ डेवलप करना चाहिए। और आई नो यार कि खुद की अलग क्रिएटिविटी करना बहुत टाइम लगता है, एक ईयर या सिक्स मंथ्स यार खुद का आइडिया मतलब डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर अगर खुद की चीज़ें हम बनाने लगेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी इंडियन कंट्री के बारे में। हाँ, और उसी के रिलेटेड मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करना चाहूँगा, फेसबुक से रिलेटेड। फेसबुक मूवी थी, हाँ नाम यार याद नहीं, वो मूवी थी मार्क जुकरबर्ग के बारे में। उसके अंदर बहुत अच्छी मूवी है, मतलब फेसबुक कैसे बना था उसके अंदर भी यार उनका एक फ्रेंड था, मतलब उनका आइडिया चुराया था, फिर भी उनकी रॉयल्टी मतलब केस हुआ था। मतलब आपको पता चलेगा कि यार एक आइडिया चुराने का भी मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे तो यार पोस्टर चुराए जा रहे, मतलब बहुत कुछ, फौजी मतलब फौजी भी यार पबजी जैसा ही नेम है, सब कुछ चुराया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने यार ट्वीट किया है, मीम शेयर किए कि ये सब पूरा का पूरा कॉपी है, पर हम सब यार सपोर्ट है कि इंडियन गेम बन रहे हैं, मतलब गेम्स तो इंडियन है ना, पूरे ग्राफिक व्राफिक जो भी होगा वो इंडियन होगा, तो गेम को एक ट्राई ज़रूर देना दोस्तों। तो इस वीडियो का मकसद ही यही था यार, हमने कुछ बात की यार फौजी के बारे में, फौजी गेम जो निकल के आया है, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मतलब कुछ भी सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि कोई भी अब जो इंडियन गेम्स है उनको सब खेलेंगे। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा यार, अगर गेम लॉन्च हो जाता है जल्दी से जल्दी एक दो मंथ में, तो उसे खेलना ज़रूर, उसकी फीडबैक डेवलपर्स को ज़रूर देना। सो आई होप यार वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और छोटा सा कमेंट नीचे ज़रूर लिख कर देना। कमेंट के अंदर मैं आप सबसे जानना चाहूँगा आप फौजी के लिए कितना रेडी हो, फौजी के बारे में जो कुछ भी मतलब फौजी गेम है उसके बारे में जो कुछ भी आपके थॉट्स है वो नीचे ज़रूर लिखो, जिससे मुझे पता चले कि यार मेरी वीडियो का आपको कैसी लगी है। तो ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।